साउथ कोरिया से दूर देश के लोग प्रोग्राम से एम शारिफ सईद का सलाम। हम आपके लिए पेश करते हैं कैपिटल सियोल हो, पोर्ट ऑफ सिटी बुसान हो या इंचन, या फिर साउथ कोरिया का कोई भी सनती शहर, डेगू सिटी हो, डेजोंग सिटी या फिर अनसान इंडस्ट्रियल सिटी, या फिर साउथ कोरिया का कोई भी शहर, सियासी गैर सियासी न्यूज व्यूज इंटरव्यूज, इसके साथ साथ एजुकेशनल प्रोग्राम, शोपीस, स्पोर्ट्स, ट्रेड एंड बिजनेस इंफॉर्मेशन के साथ साथ कोरिया में मुकीम पाकिस्तानी तुलबा और तालबात और साउथ कोरिया में इंडस्ट्री से जुड़े पाकिस्तानी वर्कर्स के बारे में मालूमात, साउथ कोरिया से जुड़ी खबरें जो आप देखना सुनना और जानना चाहते हैं सिर्फ SNB न्यूज पर। नाज़रीन इकराम, 27 अक्टूबर 2021 को सफारतखाना पाकिस्तान जनूबी कोरिया में समाजी दूरी कोविड-19 को मद्देनज़र रखते हुए मकबूज़ा कश्मीर योम सियाह के हवाले से तकरीब का अहतमाम किया गया। इसमें सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर ख़ारजा के पैगामात पढ़े गए। सफ़ीर पाकिस्तान मुमताज़ ज़हरा बलोच ने अपने कलामात में कश्मीरी आवाम की 27 अक्टूबर 1947 से भारतीय तसल्लुत के बाद की जाने वाली जद्दोजहद के बारे में आगही दी। सफ़ीर पाकिस्तान ने कहा कि पाकिस्तान और इसके आवाम कश्मीरियों के हकूक़ की मुनसिफाना जद्दोजहद की हमायत जारी रखेंगे। इसके अलावा सफारतखाने ने ऑनलाइन तकरीब का इनेकाद भी किया, जिसमें सफ़ीर मुमताज़ ज़हरा बलोच ने शुरका से ख़िताब करते हुए 27 अक्टूबर 1947 से कश्मीरी आवाम की जद्दोजहद को उजागर किया। वेबिनार में पाकिस्तानी और जनूबी कोरियाई अफराद की एक वसी हलके ने शिरकत की, जिनमें माहिर तालीम, तुलबा, ताजिर और पाकिस्तान कम्युनिटी तंजीमें शामिल थीं। इसके अलावा साउथ कोरिया के मुख्तलिफ शहरों में पाकिस्तान कम्युनिटी की जानिब से खामोश एहतजाजी मुजाहरा भी किया गया और मकबूजा कश्मीर में होने वाली जुल्म ज्यादती की अवेयरनेस जनूबी कोरियाई आवाम को दी। एम शारिक सईद, SNB न्यूज, सियोल। खूबसूरत स्क्रीन का व्यू आप देख रहे हैं इस वक्त। इसके ऊपर 27 अक्टूबर के हवाले से योम सियाह, ब्लैक डे, कश्मीर के हवाले से कुछ व्यूज़ दिखाए गए हैं और इन व्यूज़ को दिखाने का मकसद सिर्फ साउथ कोरिया में लोकल कम्युनिटी को आगही देना है कि इंडिया ऑक्यूपाई कश्मीर में जो जुल्म और ज़्यादतियाँ हो रही हैं उसको उजागर करना है। दुनिया भर में 27 अक्टूबर का दिन योम सियाह के तौर पर मनाया जाता है मकबूजा कश्मीर के रहने वालों के साथ। कुछ कई बरसों से पिछले जुल्म और ज़्यादती का बाज़ार गर्म है इंडिया के मकबूजा कश्मीर में। इसके लिए दुनिया भर में आवाज़ उठाई जा रही है और यूनाइटेड नेशन के अंदर भी इसके लिए बात की गई है और इसी हवाले से साउथ कोरिया में भी आप ये देख रहे हैं मंजर। ये यहाँ जो आप किम्पू सिटी हॉल के बाहर खड़े हुए हैं, तो ये ब्लैक डे 27 के हवाले से आप कुछ बताएंगे हमें? जी, 70 साल से ऊपर हो गए हैं यहाँ इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर। इंडिया जो है खुलेआम इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी कर रहा है, इस पर कोई पूरी दुनिया खामोश तमाशा बनी हुई है, कोई बोलने वाला नहीं। तो इस वजह से आज किम्पो शीशोंग के सामने सुबह से हम एहतजाज कर रहे हैं। ये सिर्फ किम्पू के अंदर है या मुख्तलिफ शहरों में दूसरे भी लोग हैं? आज सुबह से मुख्तलिफ जगहों पर एहतजाज कर रहे हैं। आज और कल 26 और 27 तारीख को मुख्तलिफ जगहों पर एहतजाज करेंगे। कोविड की वजह से सिर्फ एक बंदे को एहतजाज करने की इजाज़त मिली है, तो एक एक करके तमाम लोग जो हैं सुबह से किम्पो सिटी में एहतजाज करेंगे आज और कल। ये आपका एहतजाज ऑक्यूपाई कश्मीर इंडिया में जो जुल्म और ज्यादतियां हो रही हैं बरसों से, उसके हवाले से है? जी, उसी के हवाले से। ये जो आप माशाल्लाह वर्किंग डे के अंदर आज आप आए हैं साउथ कोरिया के शहर किम्पू के अंदर, मार्केट में भी हैं आप और उसके अलावा मैंने आपको दूसरी साइड पे सिटी हॉल के सामने भी देखा,
तो ये एक आप लोगों को साउथ कोरियंस को बताना चाह रहे हैं कि जो कश्मीर में मकबूजा कश्मीर में जुल्म ज्यादतियाँ हो रही हैं ऑक्यूपाई कश्मीर इंडिया में, तो आप चाहते हैं कि साउथ कोरिया के लोग भी मुतवज्जो हों और ये जुल्म और ज्यादती को समझें जो इंडिया बरसों से कर रहा है। जी बिल्कुल, जैसे कि आप जानते हैं कि अभी हम साउथ कोरिया में रह रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि जो ह्यूमन राइट्स के मुताबिक जो आज़ादी है इंसान की उसके लिए और जो जुल्म और सितम हो रहे हैं इंडिया कश्मीर पे कश्मीर के लोगों पे कर रहा है, तो ये हम बताना चाहते हैं कि ये देख लें कि इंडिया का जो सलूक है कश्मीरियों के साथ इंसानियत के साथ, तो हम तो पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं, खासतौर पे यूनाइटेड नेशन को भी, जो इसका मसला हल करे जल्द से जल्द। साउथ कोरिया से दूर देश के लोग प्रोग्राम से एम शारिफ सईद का सलाम। हम आपके लिए पेश करते हैं कैपिटल सियोल हो, पोर्ट ऑफ सिटी बुसान हो या इंचन, या फिर साउथ कोरिया का कोई भी सनती शहर, डेगू सिटी हो, डेजोंग सिटी या फिर अनसान इंडस्ट्रियल सिटी, या फिर साउथ कोरिया का कोई भी शहर, सियासी गैर सियासी न्यूज व्यूज इंटरव्यूज, इसके साथ साथ एजुकेशनल प्रोग्राम, शोपीस, स्पोर्ट्स, ट्रेड एंड बिजनेस इंफॉर्मेशन के साथ साथ कोरिया में मुकीम पाकिस्तानी तुलबा और तालबात और साउथ कोरिया में इंडस्ट्री से जुड़े पाकिस्तानी वर्कर्स के बारे में मालूमात, साउथ कोरिया से जुड़ी खबरें जो आप देखना सुनना और जानना चाहते हैं सिर्फ SNB न्यूज़ पर।